तो स्वागत है आपका R&R पाठशाला में। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं UPSC, SSC आदि गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए GK GS की क्लास। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए आज का हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, निम्नलिखित जो युग्म दिए हैं उन पर विचार करेंगे। पहला है नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय, दूसरा है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, तीसरा है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही मेल खाता है ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा दोस्तों ये है तीनों, इसके जो उत्तर है वो तीनों ही सही है, मतलब तीनों के तीनों मेल खाते हैं। एक बार इनको समझ लेते हैं दोस्तों ये कहां कहां पर लोकेटेड है। एक तो दोस्तों ये जो है नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं, अब इसमें जो सबसे पहला हमने बात की थी नोक्रेक नेशनल पार्क, नोक्रेक नेशनल पार्क है ये, और ये कहां पर है दोस्तों हमने पहले बताया मेघालय इन इंडिया, मेघालय में स्थित है ये, और नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व इसको बोलते हैं, और यह है वेस्ट गारो हिल्स जो है डिस्ट्रिक्ट है ये मेघालय का, वहां पर ये पड़ता है, और इसको नेशनल पार्क जो है यूनेस्को में एडिड है ये बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से, और इसको मई 2009 को इसको इंक्लूड किया गया था यूनेस्को में, यूनेस्को की जो लिस्ट है बायोस्फीयर नेशनल पार्क के रूप में। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद दूसरा जो था वो है गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, ये कहां पर पड़ता है दोस्तों ये आप इस पिक्चर में क्लियर देख सकते हैं, ये यहां पर जो है ये यहां पर पड़ा हुआ है, ये एरिया ये है देखो तमिलनाडु है ये हमारा क्षेत्र, इस तमिलनाडु के यहां पर है इस ये लोकेटेड। अब इसको एक बार अच्छी तरह से समझते हैं, कह क्या रहा है कि ये 21 स्मॉल आइलैंड्स हैं दोस्तों, पहले तो क्या है दोस्तों 21 स्मॉल आइलैंड्स हैं, और ये तुतिकोरिन और धनुषकोडी जो पड़ता है तमिलनाडु में, फेमस प्लेसेस है ये उसमें तमिलनाडु में, उनके बीच में 160 किलोमीटर के जो बीच का एरिया है वहां पर ये पड़ता है। मैप में आप अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं कि ये एक्चुअल में कहां पर लोकेटेड है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा SSC और जो UPSC के एग्जाम होते हैं उसमें बड़े ही महीन तरीके से प्रश्नों को रखा जाता है, जिससे कि आपकी आप उसी हिसाब से आपकी तैयारी भी बेहतर होनी चाहिए। और जो तीसरा है दोस्तों शेषाचलम हिल्स, ये कहां पर पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कहां पर पड़ता है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। तो नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कोल कोयला नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा पेट्रोलियम, तो इनमें से कौन सा है दोस्तों जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बताया गया है। तो ये है दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा सी सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी की होती क्या है दोस्तों, ये उस सोर्स से आती है जो कभी खत्म नहीं होती है। देखो कोल एक ऐसा है, कोयला और प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम ये एक ऐसी सोर्स है एनर्जी की जो कि आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगी, लेकिन कुछ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसी है जो कि हम वहां से एनर्जी या ऊर्जा ले रहे हैं जहां से कभी खत्म नहीं हो सकती, जैसे सूर्य से ऐसे विंड पावर हो गई, बायो एनर्जी हो गई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गई, तो ये एक ऐसी ऊर्जा है शक्तियां हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी, तो इन्हीं में एक है सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी के मौसम से जुड़ी है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज एसोसिएटेड विद रबी सीजन, रबी के सीजन से कौन सी जुड़ी हुई है ये बताना है, राइस है व्हीट है मेज है या कॉटन है, चावल गेहूं मक्का या कपास, इनमें से कौन सी खेती है दोस्तों जो रबी से जुड़ी हुई है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा दोस्तों वो है गेहूं व्हीट, व्हीट जो है वो रबी की फसल से जुड़ी है। एक बार जान लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी फसलें, इससे संबंधित प्रश्न जरूर आता है दोस्तों, तो एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे। देखिए इसमें हमने चार्ट में दिखा रखा है खरीफ की फसल, सबसे पहले जो खरीफ की फसल होती है दोस्तों ये मानसून की फसल मानी जाती है, मानसून में, मानसून कब आता है जुलाई से लेकर और अक्टूबर तक का जो समय होता है वो बारिश का समय होता है, क्योंकि इस फसल को जो है सबसे ज्यादा हाई वाटर रिक्वायरमेंट होती है, सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो इसमें बाजरा हो गया, चावल हो गए, ग्वार हो गया, धान हो गया, बासमती धान जिसको बोलते हैं वो सब हो गए। तो इसमें देखिए राइस मेज जोर बाजरा सोयाबीन हो गया कॉटन हो गया दोस्तों, और ग्राउंड नट मूंगफली जो होती है, और उड़द की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, तूर की दाल हो गई, तो ये सब जो है किसमें आती है दोस्तों खरीफ की फसल में आती है। फिर लेते हैं हम बात करते हैं रबी की फसल जो प्रश्न में भी पूछा गया है, तो सबसे पहले व्हीट की बात की इन्होंने, गेहूं आ गया, बार्ले आ गया, जो बाजरा होता है, चना जो होता है वो भी आता है इसमें, जौ हो गई, सरसों हो गई दोस्तों, आलू हो गए इसमें, मटर हो गए, ये सब रबी की फसल में आते हैं दोस्तों, बार्ले ग्राम पीज मस्टर्ड ये सब किस में आते हैं रबी की फसल में। ये विंटर की फसल होती है दोस्तों, विंटर का सीजन कब से होता है, अक्टूबर से स्टार्ट होके फरवरी तक का जो समय होता है दोस्तों वो विंटर सीजन माना जाता है, ये उसकी फसलें हैं। तो एक तरह से कहें गेहूं चना जौ
सरसों, मटर, आलू, ये फेमस फेमस है, तो ये रबी की फसल हो गई। खरीफ की फसल की हमने बात की, उसमें क्या क्या था दोस्तों, खरीफ की फसल में धान हो गया, जैसे चावल, मक्का हो गया, कपास, मूंगफली, दालें, जितनी भी दालें हैं वो सब खरीफ की फसल में आती हैं दोस्तों। तो ये इंपोर्टेंट और ये प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों जायद का समय, जो जायद फसलें होती हैं जिसमें समर क्रॉप होती है, जो मार्च से और जून, मार्च अप्रैल मई जून, जो गर्मी का समय होता है ना दोस्तों, उस समय जो फसलें होती है उसको जायद की फसलें बोलते हैं। उसमें देखो तरबूज हो गया, वाटरमेलन, क्यूकम्बर हो गए, जो खरबूजे होते हैं, वेजिटेबल्स भी आते हैं उसमें, फोडर क्रॉप्स आ गई उसमें, तो ये सब चीजें जो हैं जो हम गर्मी में खाते हैं मोस्टली, तो वो जायद फसलें हो गई। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा, और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो एक्सप्लेनेशन आपको दी जा रही है, जो व्याख्या प्रश्नों पे की जा रही है, वो भी आप अच्छे से समझ रहे होंगे, जिससे कि विस्तार से आने वाले प्रश्नों को भी आप आसानी से कर पाएंगे, और भी उससे संबंधित प्रश्न कुछ भी आए तो उसको आप आसानी से कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, और एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि हमारी जो ऐप है R&R पाठशाला, उसे जरूर आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें SSC के इतने PDF नोट्स दिए हुए हैं, UPSC के बहुत सारे नोट्स दिए हुए हैं, और प्रैक्टिस सेट्स तो हम डेली डाल ही रहे हैं। जितनी प्रैक्टिस करनी है आप क्वेश्चन पेपर्स की, सैंपल पेपर्स की, आप प्रैक्टिस करिए, और बहुत ही नॉमिनल फीस में सब कुछ दिया हुआ है, तो एक बार आप ट्राई जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ।